नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साहब, आपसे मिलने के लिए कोई आया है? Hi श्री, how are you sir? I'm always fine. Hey, ये क्या कर रही हो? आज मेरा बर्थडे है भैया, bless me. Oh, happy birthday. Thank you. पहले क्यों नहीं बताया? Hey, checkbook लेके आओ. श्री, this is for you. Buy whatever you want. रहने दो भैया. श्री, take it. This is nothing. Nothing नहीं है बेटे, तुमने जो किया वही बहुत है. हमें कोई कमी नहीं होने दे रहे हो. फिर ये रुपए किस लिए? रुपयों का क्या है सर? ऐसा मत कहो. ये रुपए नहीं होते तो मेरी बेटी डॉक्टर नहीं बन पाती. उससे मेडिकल सीट मैं नहीं दिला सकता था. रुपए चुराने से भी मिलेंगे, पर गुण नहीं चुरा सकता. किसी जमाने में आप दौलत उड़ाते रहे और आज कौड़ियों के लिए मोहताज हैं. बट आई रिस्पेक्ट यू सर, आप खुश रहें और श्री भी. कभी हमारे शेड में काम करके रहने का इतना कर चुका होगी तो बेटे हम लोग चलते हैं. श्री ये रख लो, डैडी का ख्याल रखना. थैंक्स भैया, बाय, टेक केयर. सही, ऑटो रिक्शा में क्यों आई? गाड़ी नहीं है? पेट्रोल खत्म हो गया था. अरे रे, ये छोड़ो, गाड़ी में पेट्रोल डलवा दे. यू डोंट वरी. मुझे ना आपकी टीवी चाहिए ना गाड़ी, प्लीज टेक योर की. ये बात नहीं है कि मैं टीवी देना नहीं चाहता, अगर दे दिया तो यहाँ आने का बहाना नहीं मिलेगा ना. यू नो आई रियली रियली लाइक यू. वैसे सुना है तुम्हारे कैंटीन में काफी मजेदार कॉफी मिलती है. ट्रीट नहीं दोगी? चलो, आप यहाँ रोज आ सकते हैं. रियली? You like motorbikes? Super. Come on. Super. Hey, कौन है तू? इस तरह झांक झांक के क्यों देख रहा है? अबे झांक झांक के क्यों देख रहा है? मत मारिए, वहां देखिए. इफ यू लाइक इट गिव मी 100 रुपीज, सिर्फ 100 रुपए. यो किक दैट फैट बैक. ये मेरी है. या लगभग मैं कितना पूछा? 100. 500 ले लो. अच्छी बनाई इसलिए नहीं, अच्छी नहीं बनाई इसलिए. क्या कह रहे सर? मैं चोर हूँ. यू मीन थी चोर? चोर? फिर कभी मेरी तस्वीर बनाने की कोशिश की तो जान से मार डालूंगा. ₹1 करोड़ की चोरी हो गई. कितने आदमी थे? वो अकेला था, रेड बाइक में भाग गया, वो भी इंपोर्टेड रेसिंग बाइक. ये रेसिंग करने वाले सब कहाँ मिलेंगे? बाइकर्स क्लब में सर. Immensely happy to be with you. And second thing is that I feel proud to announce the 7th anniversary of our club on the next Saturday.
Yes, sir. What do you want, sir? What do you want? बाहर एक रेड बाइक खड़ी है, वो किसकी है? वहाँ टाटू शॉप ओनर है, वो बाइक उनकी है. कार्टून के बदन पे ये कार्टून? या दिस डिजाइन फॉर यू ओनली. एक बात मेरी समझ में आ गई है, आखिर कब तक ये टैटू गोद गोद कर कमाई करूंगा? इससे तो चोरी करना ही बेहतर है. अच्छा, किसी पैसे वाले को पकड़ लो, बात काम हो गया. किसी बैंक में घुसो, चोरी करना इतना आसान है? और नहीं तो क्या, उसमें भी आसान चोरी कौन सी है पता है? एटीएम. एटीएम मशीन को 5 मिनट में उड़ा सकते हैं. उधर एक निकम्मा सिक्योरिटी वाला होगा, भोंक दो, खलास, बस. पुलिस ने पकड़ लिया तो? पुलिस? मजाक कर रहे हो? पुलिस वाले तो सड़े हुए अंडे के बराबर है, उनके पास बॉडी तो है, ब्रेन नहीं है. मुझ जैसा स्मार्ट आदमी प्लान बनाएगा तो वो क्या कर सकेंगे? बोलो बोलो बोलो, टेल मी व्हाट यू थिंक. हेय, व्हाट आर यू डूइंग? हेय, हु इज इट? नो नो नो, डोंट डू लाइक दैट. नो, इसे स्टेशन ले जाके बदन से सारे टैटूज उतार दो. ओके सर. साले, पुलिस वालों को ब्रेन नहीं बोलता है? काली क्यों? Sorry sir, ये टेबल रिजर्व है. It's okay. Thank you. Sir, ये टेबल इनकी है. Sir, please sir. एक बार बैठ गया तो बैठ गया. Hey. मेरी टेबल कहाँ है? जस्ट मिनट सर. सर, मैं आपके लिए दूसरी टेबल अरेंज करता हूँ, प्लीज सर. क्लब क्लब मिट्टी में मिल जाएगा. ये टेबल किसकी है? सर, आप ही की है. जाके अपने ओनर को बुला ला. ओके सर. अगर वो खाली ना करा सका तो मैं खुद देख लूंगा. प्लीज बाबा, प्लीज, ये क्लब आपका है बाबा, ये क्लब आपका है. वैसे यहाँ टेबल सिस्टम नहीं है. ए, क्या आप यहाँ जितना भी टेबल है सब निकाल दो, पता नहीं किसके खेले पे सब रखा है. ओनली चीयर्स, नो कंट्रोवर्सीज, नो फाइट, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन. ओके, ए, गेट सम चिल बियर फॉर माय फ्रेंड्स. ए गर्ल्स, क्या देख रही हो? कम ऑन, डांस, म्यूजिक, डांस. कम ऑन गर्ल्स, कम ऑन, कम ऑन. ये दैट्स इट, ये. कम ऑन बाबा, डांस बाबा. आप यहाँ कैसे? ये गैराज तो हमारा ही है, गाड़ी किसकी है? ऐसी मेरी फ्रेंड की गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए लाई. अक्सर गाड़ी चेक करके रिपेयर करो, बिल मत लेना. थैंक्स अ लॉट अखिल, यानी ये गैराज हमारा है. हॉस्पिटल में किसी की भी गाड़ी बिगड़ जाए तो यहाँ फ्री में रिपेयर करवा लेना, ठीक है? कौन सा सॉफ्ट ड्रिंक? कोक, पेप्सी, समथिंग? बट वन कंडीशन, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आपके सारे स्टाफ को हमारे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट फ्री. ओके, थैंक यू. तो मुझे कहीं भी दर्द हुआ तो आपको आके ट्रीटमेंट करना होगा. ओके, श्योर. ऐसा है तो जल्द ही मुझे प्रॉब्लम होगी. हाय गाइस. कौन है तुम? कैशियर का है. थाने में कैशियर? फिर मेरा 2 लाख कौन देगा? कैसे 2 लाख? उस एटीएम चोर के बारे में बताने वाले को 2 लाख देने का ऐलान किया था ना? क्या है? वो 2 लाख दे रहे तो चला जाऊंगा. हेलो. उस चोर को तुम ही ने देखा था? या तुम ऐसे क्यों हो? क्यों ऐसे हो तो रुपए नहीं देंगे. कहाँ देखा था? मेट्रो सेंटर. कहाँ? मेट्रो सेंटर. लेकिन चोरी तो पैराडाइज सेंटर में हुई थी. मेट्रो से पैराडाइज आया होगा. तुम कैसे जानते हो कि वही चोर है? उसी ने कहा था कि वो चोर है. कोई चोरी करने वाला अपने आप को चोर कहता है? अलग अलग शक्ल का अलग अलग रिएक्शन है. आपकी शक्ल देख के कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन मेरी शक्ल देख के मन की बात जुबान पर आएगी. तुम करते क्या हो? आर्टिस्ट हूँ.
सड़क छाप उसकी तस्वीर बनाई थी दिखाओ फाड़ दिया सर फिर बना सकते हो 2 लाख देंगे सर छोटा सा डाउट है वो 2 लाख आप चेक देंगे कि कैश देंगे ठीक से बनाओ Yo, kick that fat back. You better come on, come on, come on. Banao. Okay, sir. ये फिल्म एक्टर चिरंजीवी की तस्वीर है ना मैं हूँ तेलुगु मेगास्टार है इसकी तस्वीर क्यों बनाई कई बार इनकी तस्वीर बना बना के आदत पड़ गई बाय मिस्टेक बन गई सर अब बनाऊंगा तो परफेक्ट आएगी इसकी गारंटी नहीं है सर कल आके बनाऊंगा लेकिन मैंने उसे देखा है सर तरस खा के छोड़ रहा हूँ कहाँ रहते हो एड्रेस छोड़ के जाओ ओके मैडम हाँ आपको हमारे घर आना होगा क्या हुआ भाई को बैक पेन हुआ है अच्छा मैं गाड़ी भेज रहा हूँ आप आ जाइए चलो चलो क्या हुआ बैक पेन पीछे की नस कहीं पर लॉक हो गई क्यों क्या किया उन्होंने नहीं किया ना जिस उम्र में जो जो करना चाहिए वो नहीं करने से ऐसा ही होगा घर तो बहुत बढ़िया है कमरे में उनकी कमर बढ़िया नहीं है सॉरी Akhil, Akhil, what happened? Are you okay? Thanks for coming. That's okay. But sister, help me. Yes, doctor. Why? Why? वो पकड़ रही है ना डॉक्टर मैडम ने MBBS किया है कहाँ पकड़ना है कैसे पकड़ना है कब पकड़ना है वो अच्छी तरह जानती है ये कैसे हुआ झुके थे क्या नहीं बाप रे बाप एकाएक पीछे की तरफ मुड़े ऊपर नीचे पुशअप किया पुशअप करने के लिए साथ में कोई चाहिए ना सिस्टर कम अरे छोटू क्या हो गया अच्छा ना क्या हो गया छोटू सिस्टर से देख लेना मुझे जरूरत नहीं है आप ऊपर ध्यान दीजिए अच्छा 1 सेकंड सिस्टर से ले जाके कपड़ों मुझे ले जा ओके ओके संभाल ले जा उसे पहले कभी हार्ट अटैक हुआ था हम दोनों के लिए यही फर्स्ट टाइम कहां दर्द हो रहा है चलो चलो नीचे आओ प्लीज आप क्यों दबा रही हो कुछ प्रेशर पॉइंट्स यहां पर होते हैं दर्द हो रहा है नहीं अब नहीं अभी नहीं हो रहा अब कोई फायदा नहीं ऊपर आ जाओ ओके ओके मैं आ रही हूं गर्दन के पीछे भी कुछ नर्व्स होते हैं वहाँ ट्राई करके देखते हैं ओके दर्द हुआ तो बता देना अच्छा दर्द हो रहा है यहाँ बेटा बेटा यहाँ पर दर्द हो रहा है हमारे कॉलेज में ये सब नहीं सिखाते थे क्या आपने भी मेडिसिन किया है तब हमारा सिलेबस ही अलग था क्या था उसमें वहाँ हमारे प्रेशर पॉइंट्स अलग अलग होते थे वो कैसे तुम देखोगी हाँ जस्ट रिलैक्स यहाँ दबा दो तो कहीं और ऑन हो जाएगा अखिल ये तो फीमेल स्टेटोस्कोप लग रही है बिल्कुल तूने कहा था गुरु को प्यार हो गया है तो वो लड़की ये लड़की एक ही है या दोनों अलग अलग है अरे माँ जी एक ही है फिर भी बेडरूम में सिरेंज थर्मामीटर स्टेटोस्कोप पहुँच गए हैं तो मेरी एंट्री बहुत जरूरी है बेटा तू एक काम कर अब तक जो कुछ भी हुआ मुझे डिटेल में बता Can I start? Mind तो fresh है ना? Yeah. Carry on. Excuse me guys, मेरे दाई तरफ कोई रहे तो मैं disturb महसूस करता हूँ. Come everybody, stand there, go, go everybody, you bodybuilder, go there. Okay, thank you, thank you. एक चाय बोलिए. आप भी पी सकते हैं. You baby. Come on. Ready, baby. You can see now. Come on. और अगर हाथ इस तरह बनाओगे तो रजनीकांत और भी नेचुरल लगेगा ब्यूटीफुल है वन सेकंड मार डालूंगा साले को फिल्म स्टार्स की तस्वीर बनाता है कहने वाला वो सब पॉपुलर है तो बनाएगा इधर मैं कहा था ना मेरी दाई तरफ कोई ना रहे तो वो बॉडी बिल्डर वहीं खड़ा होकर अपनी तशरीफ को जा रहा था इसलिए मैं डिस्टर्ब हो गया था चोर को पकड़े बिना मैं पागल हो रहा हूँ सरकार से मुफ्त की पगार लेके खाते हुए मुझे शर्म आ रही है घर जाके सोता हूँ तो रात रात भर नींद नहीं आती
I can understand your condition. But as an artist, मुझे जरा freedom चाहिए. थोड़ा time देंगे तो I can draw better. Promise. सुनो भाई यहाँ आओ. ये लड़की कौन है? जेनिफर लोपेज. ओ और वो? ब्रिटनी स्पीयर्स. सैगल साहब कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे? वहीं कहीं कोने में होंगे. उनसे कह दो कि मैं आया हूँ. जी. इतना चौंकने की जरूरत नहीं है. बड़े गोले हमारे साहब की गायकी है? नहीं सर. बेगम अख्तर की? वो भी नहीं सर. इस दुकान के लिए कितना खर्च किया? बहुत किया सर. यहाँ स्टाफ भी बहुत होगा? बहुत है सर. रोज कितने सीडी और कैसेट बेचते हैं? कोई चाटू ना आए तो बहुत बेचते हैं सर. वो डैडी भाभी. ठीक है तुम जाओ. नमस्ते भाई साहब. कौन? बेगम अख्तर? जी नहीं, मैं अखिल की माँ हूँ. वेरी गुड. ये अखिल कौन है? ये आप अपनी बेटी से पूछ लीजिए. नमस्ते आंटी. नमस्ते अखिल डैडी. उस दिन जो टीवी दिया था वो? ओ, हाँ. प्लास्मा. आपका बेटा बहुत अच्छा है, बड़े दिल वाला. इसीलिए तो बड़े बड़े टीवी खरीद के देता है. हमारे घर में आपकी बेटी स्टेटोस्कोप भूल आई थी, सोचो उसे लौटा दूं. स्टेटोस्कोप कैसे? आंटी से पहले मुलाकात है डैडी, गो गेट सम कोक ना प्लीज. गो. सुना है परसों तुम हमारे घर आई थी? हाँ आंटी आई थी. वो उनको कुछ बैक पेन हुआ था ना, इसलिए. हुआ होगा. आजकल उसे थोड़ा थोड़ा बैक पेन, ये पेन वो पेन होने लगा है. फिर घर कब आ रही हो? किस लिए? बता दो तो मैं मंदिर या मार्केट चली जाऊंगी. उसकी कोई जरूरत नहीं, अब की बार आपकी मौजूदगी में आऊंगी. ये सब क्या है? गलती से कोक गिर गया था. डोंट वरी, मैं पोंछ देता हूँ. अरे जानबूझ के नहीं किया ना. तुमने जानबूझ के किया. हेलो. तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलने आई थी, लेकिन यहाँ कोई बदमाश उसे छेड़ रहा है. वो कौन है नहीं जानते, लेकिन उसके गाड़ी का नंबर ले लो. कौन है तू? तेरा जीजा. तूने अभी जिस लड़के को छेड़ा था उसका वो हूँ मैं. मेरा तो नहीं ना? तेरा 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 तेरा. तुम सबका मैं वो हूँ. वो हूँ. साले कूल ड्रिंक गिराता है. अब चल. तूने इसे मारा इसलिए ये मेरा दोस्त हुआ. तूने मेरे दोस्त को क्यों मारा बे? रुको रुको, उसे क्यों मार रहे हो? दादागिरी है, पुलिस वाले हो. पहले मेरे सवाल का जवाब दो. उसने मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ा था, उसके लिए तुम मारोगे? सिर्फ उसे ही नहीं, अब तो मैं इसे भी मारूंगा. तुम सबको मारोगे? हीरो हो? तुम्हारे घर में लेडीज हैं, अगर उन्हें कोई छेड़े तो क्या करोगे? इधर आ. क्या किया था? सर जी मैंने ये क्या है? ये उंगली है? राक्षस हो? राक्षस हो? बोल बोल ना. ले जाके अंदर डालो. तुम क्या कर रहे हो? जाओ जाओ जाओ. कुछ ज्यादा ही जबान चला रहे हो, पुलिस से जानने के बावजूद भी. सब लोग जाओ. भाई साहब आप अच्छे हैं ना? मैं फर्स्ट क्लास हूँ बहन जी. हाँ बोलिए. फागुन का महीना आ रहा है और हमारे कुछ फर्ज बाकी हैं. मेरा तो बस इकलौता बेटा है,
उसकी शादी कर दूंगी तो हरे राम हरे कृष्णा कहकर यूरोप अमेरिका घुमाऊंगी। अब आपकी बेटी और मेरा बेटा जुदा तो नहीं हो सकते। वो तो है। तो आपकी बेटी मेरे बेटे को देने के लिए आपको कितना दहेज चाहिए? पैसा दहेज मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका बेटा हमारा हो जाए बस। तो फिर मंगनी के लिए अच्छा सा मुहूर्त निकलवाइए। 25 तारीख की सुबह 9:20 पर बढ़िया सा शुभ मुहूर्त है। उस मुहूर्त में चाहे दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए, मंगनी हो जाएगी। बहन जी। बोलिए भाई साहब। मेरी अपनी सगी बहनें हैं, एक नहीं दो दो। उन्होंने अपने भाई को कभी अपने घर बुलाकर एक कप कॉफी तक नहीं पिलाई है, ऊपर से ताने देती है। अपने बेटे के लिए एक भी पैसा जमा नहीं कर पाया, माफ कर दो बहन। भाई साहब, हमारे बच्चों की खुशी से भरकर हमें और क्या चाहिए? मैं आपसे और बात करूंगा तो खुशी से रो पड़ूंगा बहन जी, मैं रखता हूँ। जी जी बोलिए। हाँ, अपने श्री का रिश्ता पक्का हो गया है। कब रखा है? 25 तारीख को मंगनी। लड़का क्या करता है? उसका कार टैक्सी का बिजनेस है बेटा, बड़ा सा गैरेज भी है, माँ का इकलौता बेटा है। गुड, मैं जरूर आऊंगा। आने से काम नहीं चलेगा, तुम मेरे बेटे हो, शादी होने तक साथ रहना होगा। श्री मेरी बहन है, आप चिंता मत कीजिए। तुम हो तो कोई चिंता नहीं,